कर्मियों से मुखातिब हुए जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने बताया कि इस पूरे प्रकरण पर मुख्यमंत्री जी की नजर है। उन्होंने मृतक साथी देवेंद्र के परिजनों को 50 लाख की आर्थिक सहायता एवं एक परिजन को नौकरी देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री खुद इस घटना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। स्टार 7 टीवी न्यूज की कवरेज, निखिलेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। डीएम साहब, कासगंज में शुरपुरा थाने में एक बड़ी घटना हुई है जिसमें दो पुलिसकर्मियों को सुना जा रहा है कि बदमाशों ने बंधक बना के पिटाई भी की है, जिसमें एक जो कांस्टेबल उनकी डेथ भी बताई जा रही है, जो दरोगा जी वो गंभीर रूप से घायल हैं। तो पूरा क्या मामला, क्या सूचना है इसमें? सही, आज शाम को शिरपुरा थाने के दरोगा जी और आरक्षी देवेंद्र नगला धीमर गांव में वांछित अपराधी की तलाश में गए हुए थे और वहां दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है जिसमें हमारे साथी सिपाही श्री देवेंद्र जी शहीद हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस घटना का तत्काल संज्ञान में लेते हुए जो अपराधी हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ जो हमारे साथी मृतक श्री देवेंद्र शहीद हुए हैं उनके परिवारजन को 50 लाख रुपए और एक व्यक्ति को नौकरी देने की घोषणा की है। और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इस घटना का की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हम सभी लोग यहां आप देख रहे हैं मौके पर हैं और जो भी दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई अभी पुलिस अमल में चला रही है? आप स्वयं जान रहे हैं, पुलिस द्वारा टीमें गठित की गई हैं और जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई है वो की जाएगी।